हेलो फ्रेंड, इलाहाबादी किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको मिक्स वेज बनाना बताऊंगी। उसके लिए एक कटोरी कटी हुई शिमला मिर्च, एक कटोरी कटी हुई गोभी, एक कटोरी कटे हुए बैंगन, एक कटोरी कटी हुई गाजर, एक कटोरी कटे हुए आलू, एक कटोरी मटर, एक कटोरी कटे हुए टमाटर, नमक, एक बड़ी प्याज कटी हुई और दो तीन हरी मिर्ची जिसको मैंने लंबी लंबी काट लिया है, अदरक लहसुन का पेस्ट, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। और ये बनी हुई सब्जी हम चार पांच लोगों को सर्व कर सकते हैं। गैस जलाएंगे और उस पर एक कढ़ाई रखेंगे। कढ़ाई में दो चम्मच तेल डालेंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब हम सारी सब्जियों को डालकर सारी सब्जियों को डालकर थोड़ी देर के लिए साफ होने तक पका लेंगे। अब इसे हम मिलाकर दो तीन मिनट के लिए ढक के पका लेंगे। एक बार हम खोलकर चेक कर लेते हैं। अब हमारी सब्जियां थोड़ा सा सॉफ्ट हो गई हैं, पर थोड़ी देर के लिए अभी हम और पकाएंगे। इस तरह से हम सब्जियां बनाएंगे तो काफ़ी अच्छी सब्जी बनेगी और बच्चे मांग मांग कर खाएंगे। अब खोल कर हम एक बार चेक करते हैं हमारी सब्जियां पक चुकी हैं कि नहीं। सब्जियां हमारी पक चुकी हैं और हम गैस बंद कर देंगे। इसे पकाने के लिए हमें 5 से 7 मिनट का समय लगा हुआ है और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम गैस को पुनः जलाएंगे और एक कढ़ाई को रखेंगे। अब हम थोड़ा सा तेल डालकर तेल को गर्म होने देंगे। तेल हमारा गरम हो गया है, अब इसमें हम प्याज कटी हुई और हरी मिर्ची डालेंगे। और इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। इसमें लहसुन, अदरक और प्याज का पेस्ट डालेंगे। एक चम्मच नमक डालेंगे, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच से कम गरम मसाला पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर। अब मसाले हमारे सारे पड़ गए हैं, अब इनको हम एक बार चलाकर थोड़ी देर के लिए ढांक देंगे। खोलकर हम देखेंगे हमारे सारे मसाले अब
पक चुके हैं और इसमें से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। अब टमाटर को हमको ज़्यादा देर तक, टमाटर हमारे इसी प्रकार थोड़े खड़े ही रहेंगे। अब इसमें हम फ्राई की हुई अपनी सब्जियों को डालकर मिलाएंगे। अब सारी सब्जियों को हम अच्छी तरह मिलाकर 2 मिनट के लिए ढक देंगे। सब्जियां हमारी पक चुकी हैं, अब इसमें हम हरी धनिया पत्ती डाल देंगे। इसे हम पूरी पराठा या नान किसी के साथ भी खा सकते हैं।